और मैंने हेमंत भैया, अभी हम सब कवियों ने निर्णय लिया है, अखिल भारतीय रंडुआ बटालियन का गठन आज किया है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें घोषित किया जाता है। बहुत अच्छी है मौज मस्ती कविता, देखिए ये मनोरंजन है, और हमारे लिए ये जो शब्दों का मनोरंजन है। मैंने एक किसी बड़े शायर ने लिखा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। जहां जिंदगी तमाम समस्याओं से लड़ रही है, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लड़ रही है, वहां आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हम कवियों की इबादत हो जाती है, पूजा हो जाती है। यही हमारी साधना, ये हमारा परिश्रम है। और आइए, मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनकी भूमिका के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए नहीं कहना चाहता कि दोस्तों, हिंदुस्तान की एक ऐसी गीत परंपरा है जहां पर हम जिस सरजमी पर खड़े हैं, ये गीत ऋषि गोपाल दास नीरज की भूमि है। मैं चाहता हूं एक बार नीरज जी के सम्मान में पूरा सदन तालियां बजाए। मेरे कुल के सबसे बड़े शायर हैं एक अहमद भाई, मेरे कुल के बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे। कैब भोपाली का नाम सुना होगा आपने, कैब भोपाली वो शायर हैं जिन्होंने लिखा कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, पाकीज़ा फिल्म का गीत उन्हीं ने के द्वारा लिखा है, हमारे भोपाल के रहने वाले थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे, मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे, कितने गीतकारों के दिल धड़क गए होंगे। तालियां तो अब मांगता हूं मैं उनके लिए कि मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे, कितने गीतकारों के दिल धड़क गए होंगे, जिनको छोड़ आए थे कमसिनी के आलम में, अब तो उन दरख्तों के फल भी पक गए होंगे। और इस छोटे से हिंदी कविता छोटा सा हिंदी का ये रचनाकार कहता है उन गीतकार के सम्मान में कि ललित जी, यादव जी कहीं नहीं जाएंगे, पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएंगे, चूंकि मुझे मालूम है हमारे आदरणीय है, और चूंकि हम इनका सम्मान इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सी हैं, मोहन यादव हैं, तो यादव जी से बना कर रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी निष्ठा भी है। तो मैं कहता हूं एक बहुत छोटे से रचनाकार ने गीत के सम्मान में लिखा कि एक कली जब नील कमल बन जाती है, श्रृंगार की चरम सीमा। बेटा एक क्लास में कितनी बार फेल हुए तुम, क्योंकि मेरे लक्षण भी ऐसे ही थे, और मैं सही में था 12वीं से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाया। कभी कभी ऐसे बच्चों को देखता हूं तो मुझे अपना भूत याद आ जाता है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि एक कली जब नील कमल बन जाती है, एक कली जब नील कमल बन जाती है, पत्ती पत्ती गीत गजल बन जाती है, और जब तुम मेरे घर के द्वारे आते हो, मेरी कुटिया राजमहल बन जाती है। आइए, एक गीत का ऐसा राजकुमार हमारे मंच पर बैठा हुआ है, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, जो कानपुर से हमारे बीच में आए हैं, हमारे छोटे भाई धीरज सिंह जी चंदन। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, धीरज सिंह चंदन। तालियों से करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, गीत ऋषि दादा नीरज जी की धरती को नमन करता हूँ, वफतलाल जी यहाँ पर बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी तरीके से कविताएं आप सुन रहे हो। मैं आपके कोर्स का ही टीचर हूँ, आपके अब कोर्स की बात करने जा रहा हूँ जी। स्वागत। चार चार पंक्तियों में आपके दिल में उतरने की कोशिश करूंगा, अगर आप पंक्तियां आपके दिल में ठक से लग जाएं तो अपनी तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैं सीधे सीधे एक बार घनघोर तालियां हो जाएं, मैं चार पंक्तियां रखता हूं, अपने परिचय की चार पंक्तियां रखता हूं कि मुकद्दर दो कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा। वाह। मुकद्दर दो कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा, अंगूठी में मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा। वाह वाह। धीरज भाई, मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा, बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ,
बाजारों। भैया आवाज वाही बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं आप बैठ जाओ। अच्छा यहाँ बैठे वो हैं जिनकी बैठी हैं, इसीलिए बैठे हैं आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए अपनी सीमाओं को भूल जाइए। आगे आपके प्रोफेसर बैठे हैं, क्योंकि मोहब्बत सुनने के लिए और मोहब्बत पढ़ने के लिए थोड़ा सा आदमी को टेढ़ा बच्चलन होना पड़ता है। मैं सीधे सीधे रखता हूँ। भैया बैठ जाओ थोड़ी देर। कि मोहब्बत दो कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा, अंगूठी में मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा, बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ, लगा लो माथे ये चंदन तो फिर सर चढ़ के बोलेगा। भाई वाह 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 वाह, माथे बहुत अच्छा है, वाह वाह तो फिर सर चढ़ के बोलेगा। और चार पंक्तियां और किसी के लिए, अगर छत पे थोड़ी देर 42-43 डिग्री या 0 डिग्री से भी नीचे रुके हो तो मैं चार पंक्तियां रखता हूँ जी। स्वागत। कि तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है, है, है। कि तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है, हवा के साथ ये रिश्ता मेरी किस्मत पे आया है, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, तुम्हारी छत से उड़ कर के हमारी छत है, है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 पे आया है। और मोबाइल के दौर पर चार पंक्तियां, मैं बात करना मंच पे बहुत ज्यादा नहीं आता मुझे, मैं कविताओं से आपको जोड़ता हूँ जी। स्वागत। मैं चार पंक्तियां मोबाइल के दौर पर और पढ़ता हूँ। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूँ, वो खत का दौर चला गया, अब मोबाइल का दौर है। क्या बात। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूँ बिन, ये कौन था भैया? इसका चरित्र चित्रण साफ दिखाई दे रहा है मुझे, इसके लिए एक बार ताली आप लोग बजा दो। ये कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूँ, कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूँ, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूँ, नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, हाँ नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख लेता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। डीपी तुम्हारी देख लेता हूँ, डीपी, हाँ डीपी तुम्हारी देख, हाँ क्या बात है। और नैना जी आई हैं कोर्ट, आप त्रस्त हो ना इसीलिए नहीं कहा। अरे क्या कहने भाई, वाह। नैना जी कोटा से आई हैं, वो चंबल के किनारे से आई हैं। मैं चार पंक्तियां रखता हूं, अगर मेरा बिल्कुल सही निर्णय पहुंच जाए, मेरा अंदेशा नहीं पहुंच सही पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कि अभी तुम एक, इसका ईको बिल्कुल खत्म कर दो, इसका ईको भी खत्म कर दो और ऊको भी खत्म कर दो, ईको ऊको जो भी हो, और आवाज बढ़ा दो, इसकी बेस थोड़ा सा डाल दो। अगली बार पतंजलि का माइक लगवाना यहाँ पे, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो। मैं चार पंक्तियां, नैना जी कोटा से आई हैं, इनको आप देखिए और मेरी चार पंक्तियां ये जी। स्वागत। अगर ये पंक्तियां अच्छी लग जाए, मैंने सही कह दिया हो, तो पूरा सदन तालियों के महोत्सव से यहाँ गूंजना चाहिए। मैं सीधा सीधा रखता हूं। कि अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे, वाह। अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे, सुबह की
बात तो छोड़ो प्रेम की संध्या बना देंगे, वाह, सुबह की बात तो छोड़ो प्रेम की संध्या बना देंगे, कहाँ अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में, कहाँ अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में, हमारे कानपुर आओ तुम्हें गंगा बना देंगे। मैं चार पंक्तियां और रखता हूं कि हेलो, मेरी प्रेमिका जो है वो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो किसी और दल से है, मैं किसी और दल से हूं, दोनों में लड़ाई में जब होता है तो क्या होता है, मैं चार पंक्तियां रखता हूं। जी स्वागत है। कि हमेशा के लिए चाहत का सपना खो गया होता, क्या बात है, हमेशा के लिए चाहत का सपना सो गया होता, मुझे मिलने से पहले ही वो साथी खो गया होता, सपा का मैं समर्थक था कमल की वो दीवानी थी, सपा का मैं समर्थक था कमल की वो दीवानी थी, अगर योगी जी ना आते तो ब्रेकअप हो गया होता, योगी जी ना आते। बहुत अच्छा। और एक कॉलेज का गीत आपके बीच में रख रहा हूँ, जी स्वागत। गीत की रिदम से आप जुड़ोगे, आपकी बात कहने जा रहा हूँ शुरू से, क्यों आप जो कर रहे हो मैं करके छोड़ चुका हूँ, और मैं रख रहा हूं, अगर गीत की एक एक शब्द एक एक पंक्तियां आपसे गुजर जाएं आपके आसपास से। आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। आइए साहब बैठिए। गीत की रिदम से आप जुड़ोगे तो गीत पढ़ने में मुझे आनंद आएगा और गीत सुनने में आपको आनंद आएगा। मैं सीधे सीधे रखता हूं, गीत की रिदम से आपको जुड़ना है। कि सोचता हूं उम्र का हिसाब जोड़ लूं, ताली बजाइए, गीत की रिदम। सोचता हूँ उम्र का हिसाब जोड़ लूं, यादों के बगीचे से गुलाब तोड़ लूं, हाँ सोचता हूँ उम्र का हिसाब जोड़ लूं, यादों के बगीचे से गुलाब तोड़ लूं, उलझनों की चादर समेट लूं जरा, तकिए को सीने से लपेट लूं जरा, हाँ 16 बरस की पहचान के लिए, जान से भी प्यारी उस जान के लिए, खुशियों के नए संसार के लिए, गीत में गाऊंगा पहले प्यार के लिए, आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, गीत सभी लोग एक रिदम से, गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। अच्छा, आधे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि वो भी आई हैं, इसलिए आए हैं आधे। मैं चार पंक्तियां और मैं एक अगला बंद पढ़ता हूं। कि पहली बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो कपड़े पहनने की तमीज अपने आप आती है। मैं पंक्तियां रखता हूं। कि किसी अनछुए एहसास के लिए, हाँ किसी अनछुए एहसास के लिए, हाँ बावर थे किसी की तलाश के लिए, हाँ किसी अनछुए एहसास के लिए, हाँ बावर थे किसी की तलाश के लिए, हाँ कॉलेज किताबें थी कहानी के लिए, पहला कदम था जवानी के लिए, हाँ कॉलेज किताबें थी कहानी के लिए, पहला कदम था जवानी के लिए, हाँ कुदरत खेल भी दिखाने लगी थी, सजना सवर न सिखाने लगी थी, आईने पे चढ़ते खुमार के लिए, गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, वाह 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 वाह, गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। प्रबंधक जी, मैं कानपुर में इंटर कॉलेज है उसमें गणित का अध्यापक हूँ, गणित का लेक्चरर हूँ, और गणित पढ़ाता हूँ और ये सब नहीं पढ़ाता हूँ आपको ये बता दूँ। मैंने कुछ प्रयोग किया है गणित का, अगर ये अच्छा लग गया हो, आप सब ने पढ़ा होगा, कुछ प्रयोग किया है आपके बीच में रखता हूँ। कि साइन कॉस टेन के बवालों में पड़े, साइन कॉस टेन के बवालों में पड़े, हम मौन थे गणित के सवालों में खड़े, हाँ साइन कॉस टेन के बवालों में पड़े, हम मौन थे गणित के सवालों में खड़े, हाँ
हाँ, खामोशी को तोड़ बदनाम हो गए, आगे वाली सीट के गुलाम हो गए। हाय हाय वाह। खामोशी को तोड़ बदनाम हो गए, आगे वाली सीट के गुलाम हो गए। हर रेशम से बालों के शिकार हो गए, कान की दो बालियों में नैन खो गए। वाह। कान की दो बालियों में नैन खो गए, पल दो पल के दीदार के लिए गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। गीत का अगला बंद कि यूं अगर कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं और आपकी मोहब्बत आपसे दूर चली जाती है, तब क्या दिल बीतता है मेरा। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने हाथ उठाया उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। रखता हूँ कि यूं लगा था जीने वाली राहें मिली थी। हाँ, यूं लगा था जीने वाली राहें मिली थी। हाँ, पहली बार उनसे निगाहें मिली थी। हाँ, आंखों की शरारत से जान गई थी, प्यार के इरादे पहचान गई थी। हाँ, तन्हाई रात में जलाने लगी थी, कॉलेज की छुट्टियां सताने लगी थी। सदियों से लंबे इंतजार के लिए गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। और गीत का अंतिम मंत्र रखता हूं कि मोहब्बत शुरू कहां से होती है, और मेरा ये व्यक्तिगत मत है, अगर प्यार आपको मिल जाए तो दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति आप ही हो। बहुत जल्दी मिलता नहीं, मुझे नहीं मिला। मैं चार अंतिम बंद रखता हूँ जिसके लिए पूरा गीत लिखा, अंतिम बंद में समाप्त करता हूँ। अगर ये अंतिम बंद आपकी बात हो गई हो, आपकी बात जी हो, स्वागत। मैं सीधे सीधे रखता हूँ कि हिम्मत हमारी कारागार में रही, कि हिम्मत हमारी कारागार में रही, बोलूंगा मैं कुछ वो इंतजार में रही। हाँ, हिम्मत हमारी कारागार में रही। हाँ, बोलूंगा मैं कुछ वो इंतजार में रही। हाँ, हम दबी चाहतों को खोल ना सके, उससे प्यार करते हैं बोल ना सके। हाँ, हम दबी चाहतों को खोल ना सके, उससे प्यार करते हैं बोल ना सके। हाँ, फूल की बगीचे से विदाई हो गई, उसकी किसी और से सगाई। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा काम यही हुआ। हाँ, फूल की बगीचे से विदाई हो गई, उसकी किसी और से सगाई हो गई। इस पार रोया उस पार के लिए गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए, आज मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए। गीत मैं गाऊंगा पहले प्यार के लिए।